हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट जो है सैन्य अध्ययन, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है या लिंक पे जाके आप लोग इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और बच्चों, अगर आप लोग को समझ में नहीं आए, जहाँ डाउटफुल लगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कमेंट बस कर दीजिएगा जहाँ डाउटफुल लगे, मैं अलग से वीडियो बना के अच्छी तरह से उसका डाल दूंगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस बता दीजिए हमको, इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं अच्छे तरीके से उसको समझा के, थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एकदम नहीं घबराइएगा। और देखिए यहाँ यूनिट फोर जो है देखते हैं हम लोग, एमसीक्यू क्वेश्चन बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकेंड का सब्जेक्ट जो है सैन्य अध्ययन, यूनिट फोर क्वेश्चन करेंगे, यूनिट फोर का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है यूनिट फोर में बच्चों हम लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट फोर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मुगल मिलिट्री सिस्टम, मुगल मिलिट्री सिस्टम पार्टिकुलर रेफरेंस टू द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 AD। मुगल का स्टार्ट हो गया यहाँ से, मुगल काल का, कि मुगल का स्टार्ट कैसे हुआ, कौन हराया, कैसे मुगल आए, ये पढ़ना है हम लोग। और क्या पढ़ेंगे, राजपूत मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मुगल सेना से राजपूत ने टक्कर लिया था तो उनका भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि राजपूत का ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक रूप क्या था, राजपूत का पतन कैसे हुआ, वेपन सिस्टम उसके क्या थे, हथियार किस प्रकार के थे, उसका संगठनात्मक रूप क्या था, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि मुगल जो आए थे वो आए थे कब, कब आए थे बताइए, ये जो है इब्राहिम लोदी को जो हराया बाबर, इब्राहिम लोदी को हरा के, और तब जो है बाबर आया, बाबर मुगल वंश की नींव रखा, कौन, बाबर, इब्राहिम लोदी को हरा के और बाबर जो है मुगल वंश की क्या क्या है, नींव रखा। ठीक है, मुगल वंश की नींव कौन रखा, बाबर ने रखा था और इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी वंश उस समय चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है, लोदी वंश उस समय क्या था, बहुत ही चरम पर था, पिक पर। तो उस समय जो है बाबर आया, वो क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और बाबर कब से कब तक रहा, देखिए यहाँ 1526 से कब तक रहा बताइए, 1526 जो है 1530 तक, 1530 तक बाबर रहा, बाबर जो है 1530। और उमर शेख फरगान जो था बच्चों, वो एक छोटा सा राज्य था, उमर शेख फरगान वहीं का बाबर क्या था, शासक था, उमर शेख फरगान का छोटे से राज्य का जो है बाबर शासक था। और 8 जून 1494 को वो गद्दी पर बैठा था, 8 जून 1494 को, ईस्वी को जो है बाबर गद्दी पर बैठा, बाबर जो है अपने गद्दी पर बैठा था 8 जून 1494 ईस्वी को। ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण करके वो अपने गद्दी पर बैठा था, बादशाह के नाम से, गाजी बादशाह के नाम से जो है वो उसके पुत्र कौन कौन थे बाबर के, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, चार पुत्र थे बच्चों, कौन कौन, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल, चार पुत्र थे। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 5 बार, 5 बार भारत ने भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था। यूसुफ जाई के विरुद्ध लास्ट आक्रमण था उसका, किसके विरुद्ध, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध जो है उसका लास्ट आक्रमण था। ठीक है, अब पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है पहली बार तुगलकमान नीति युद्ध का प्रयोग किया, इसी युद्ध की वजह से तो बाबर जीता,
और तोप खाने का प्रयोग किया था, और तुगलकमान नीति का युद्ध नीति का प्रयोग नीति हुआ करती थी। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफा उसके दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। कौन कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा, बाबर के दो निशानेबाज हुआ करते थे, वही निशानेबाज तोप चलाते थे उसके। ठीक है, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रमुखता रूप से भाग लिए थे। कौन? उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है बच्चों, तो अब हम कुछ डिटेल्स बता देंगे आप लोग को। ठीक है, फिर पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। देखिए यहाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए हैं वो हम बता देते हैं आप लोग। पानीपत का पहला युद्ध बाबर विजय हुआ, बाबर विजय हुआ। ठीक है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध देखिए यहाँ, खानवा का युद्ध ये कब हुआ बताइए? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ, 17 मार्च 1527 को। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ, इसमें भी बाबर विजय हुआ। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1526 में वो हुआ, 1527 में ये हुआ। ठीक है, अब जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। कौन युद्ध? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था बच्चों? चंदेरी का युद्ध 1528 में, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है, अब जो है घाघरा का युद्ध हुआ उसके बाद। किसका? घाघरा युद्ध, ये हुआ था 1529 में। किसके बीच हुआ था घाघरा का युद्ध बताइए? अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर हुए। सारे युद्ध जो हुए थे, इसका ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक, पानी पिया, खाना खाया, घर गया। ठीक है, यही है, पानी पिया 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चरने गया और घर गया, चंदेरी का युद्ध 28 और घाघरा का युद्ध 1529। इस टाइप से हम लोग लर्न कर लेंगे इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सब में बाबर विजयी हुआ था बच्चों। ठीक है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम एक शासक था। ठीक है, उसी के द्वारा जो है ग्वालियर के राजा विक्रम जी हुमायूं कोहिनूर हीरा ग्वालियर की दिवंगत राजा विक्रमजीत से प्राप्त किया था। हुमायूं जो था वो कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था, विक्रमजीत से प्राप्त किया था। ये सब जो है बाबर द्वारा लड़े गए थे। बाबर के बाद हुमायूं आया था। कौन आया था? वो 1530 से कब तक रहा? 1556 तक रहा। दो तीन बार आया गया, वो बना, फिर गया, फिर गया, फिर शेरशाह सूरी आया, फिर बना, इसी तरह चलता गया। उसके बाद हुमायूं के बाद शेरशाह आ गया, वो रहा 1540 से 1545 तक। ठीक है, उसके बाद अकबर आ गया, 1556 से 1605 तक रहा। ठीक है, अकबर बहुत दिनों तक रहा वो। ठीक है, अकबर द्वारा बहुत युद्ध लड़े गए थे, मालवाई का युद्ध, मेड़ता का युद्ध, आमेर का युद्ध, बीकानेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, हर जगह अकबर था। बहुत अच्छा शासक था, मुगल का ही था बच्चों। ठीक है, अकबर के बाद कौन आया? 1605 से 1627 तक जहांगीर रहा। न्याय का जंजीर किसे बोला जाता है बताइए? जहांगीर को। ठीक है, उसके बाद जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद मराठा आ गए, मराठा मुगल शासन, मुगल का जो है अंत हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे और मराठा का उत्कर्ष भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। ठीक
ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर बच्चों। बहुत डिटेल्स मैंने बता दिया, लेट हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल काल के तोप खाने का प्रधान कौन था, तोप खाने का प्रधान जो था वो कौन था मुगल काल में। देखिए मीर बख्श, मीर बाहरी, मीर आतिश, बख्शी उल मुमालिक, बताइए कौन था जो है मुगल काल का जो है तोप खाने का प्रधान कौन था बच्चों। मीर आतिश, मीर आतिश जो था वो तोप खाने का प्रधान था। मुगल काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे, सैन्य विभाग के जो अध्यक्ष थे उन्हें क्या कहते थे, मीर बख्शी, मीर आतिश, मीर बाहरी, पांच हजारी मनसबदार, बताइए। दो नंबर जो है बच्चों वो मीर बख्शी मुगल काल के सैन्य विभाग के अध्यक्ष थे। सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन था, मीर बख्शी। आगे चलिए, मुगल काल में बाहरी किस सेना का प्रधान होता था, मुगल काल में जो है बच्चों वो जो है बाहरी किस सेना का प्रधान हुआ करता था, पैदल सेना, नौसेना, तोपखाना, गज सेना। तो नौसेना का प्रधान हुआ करता था बाहरी। अब जो है पानीपत का संग्राम कब हुआ, मैंने बता ही दिया है डिटेल्स में अच्छे तरीके से। अब जो है कब हुआ, 1192 ईडी में, 1526 ईडी में, 1576 एडी में, 1527 एडी में। तो ये कब हुआ था बच्चों, 1526 एडी में, ठीक है। पानीपत का प्रथम संग्राम किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और किसके बीच, बताइए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था, बाबर विजय प्राप्त किया था। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बच्चों, 1526 में, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। आगे देखिए, पानीपत का प्रथम संग्राम देखिए पूछ दिया, किन किन सेनापतियों के बीच लड़ा गया, यही कह रहा ना, पोरस तथा सिकंदर के बीच, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच, बाबर तथा रणा सांगा के बीच। तो ये लड़ा गया था बच्चों इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच, जो है पानीपत का संग्राम, प्रथम संग्राम 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन शासकों के साथ लड़ा गया था, किन किन शासकों के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, अकबर तथा राणा प्रताप, अकबर तथा हेमू, शेरशाह सूरी तथा हुमायूं, अकबर और दुर्गावती। द्वितीय युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था बच्चों, बताइए, अकबर और राणा सांगा के बीच जो है पानीपत, नहीं सॉरी देखिए फिर से रॉन्ग हो गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था, यही पूछ रहा है ना। तो द्वितीय युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था बच्चों, वो थे अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत ऑफ बैटल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वार, वो जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत के मैदान में, ठीक है। आगे देखिए, पानीपत का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था, ये पूछ रहा ना, द्वितीय संग्राम कब लड़ा, 1504 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में, अरे द्वितीय संग्राम लड़ा गया था बच्चों कब लड़ा गया था, 1556 ईस्वी में द्वितीय संग्राम लड़ा गया। ओके, खानवा का संग्राम कब हुआ, मैंने ये भी बता दिया है, ठीक है। तो खानवा का संग्राम कब हुआ, 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1192। बताइए खानवा का संग्राम किनके किनके बीच हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच जो है, राणा सांगा और बाबर के बीच जो है क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर क्या हुआ, विजय हुआ। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में, कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। आगे देखिए, 9 नंबर, खानवा के संग्राम 1527 में ईस्वी के दोनों पक्षों के सेनापतियों के नाम बताइए। अभी बताया मैंने, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, राणा प्रताप तथा अकबर, बताइए। तो बाबर और इसके बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था ना बच्चों खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में, विरोधी पक्षों को कौन कौन से सेनापति थे,
विरोधी पक्षों के जो है कौन कौन से सेनापति थे, यही पूछ रहा है ना कि हल्दी घाटी की लड़ाई में विरोधी पक्ष के कौन कौन सेनापति थे। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1576 ईस्वी में, ठीक है। तो 1576 ईस्वी में हुई थी बच्चों, तो विरोधी पक्ष के कौन कौन सेनापति थे, अब देखिए यहाँ कौन थे। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, राणा प्रताप तथा राजा मान सिंह अकबर की सेना की तरफ से था। तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में बाबर और राणा प्रताप तथा राजा मान सिंह अकबर की सेना की तरफ से हल्दी घाटी की लड़ाई में 1576 ईस्वी में लड़ा गया। इसमें कौन विजयी हुआ? अकबर विजयी हुआ, अकबर विजय प्राप्त किए, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद गजनवी, हुमायूं। तो ये था बच्चों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था बताइए? महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण किया था। अब देखिए आगे चलिए, सबसे बड़ा मनसबदार कितने सैनिकों का स्वामी था? मनसबदार कितने सैनिकों, मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी बच्चों? प्रथा, मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी? अकबर ने, अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। कौन किया था? अकबर। अकबर जो है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था, और मनसबदारी के अंतर्गत जो है एक संगठन हुआ करता था, उसमें एक उसका मेन हुआ करता था और उसके अंडर में उतने सैनिक हुआ करते थे, ठीक है। तो वो मेन जो था उसके अंडर में कितने सैनिक हुआ करते, यही पूछ रहा है कि सबसे बड़ा मनसबदारी में कितने सैनिक का स्वामी होता था, वो कितने सैनिक उसके अंडर में रहते थे, यही है ना। तो देखिए कितने सैनिक अंडर में रहते थे, तो ये जो है 210,000, 1,00,000, 5,000। तो ये है बच्चों 10,000 सैनिक जो है मनसबदारी के स्वामी सैनिकों की संख्या थी। सबसे बड़ा मनसबदार सैनिकों की स्वामी कितने था? 10,000 उसके अंडर में रहा करते थे। आगे देखिए बच्चों 13 नंबर, दिल्ली सल्तनत किस शताब्दी में दुर्बल हो गया? किस शताब्दी में उसकी जो है दुर्बलता आ गई, किस शताब्दी में वो कमजोर पड़ गया, ठीक है। 17वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या होगा? वो होगा बच्चों 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ चुका था 16वीं शताब्दी में। आगे देखिए 14 नंबर, मनसबदारों को परिश्रमिक किस रूप में दिया जाता था? परिश्रमिक, मेहनताना, वो काम करते थे मनसबदार, उसके अंतर्गत कितने सैनिक जो थे वो, तो भी मैंने पढ़ाया 10,000, तो कितने परिश्रमिक के रूप में दिया जाता था? अनाज के रूप में, भूमि के रूप में, नगद वेतन, जागीर के रूप में, बताइए, पढ़े हुए हैं ना आप लोग? तो ये जो है बच्चों जागीर के रूप में मनसबदारों को दिया जाता था। 14 नंबर का क्या हो जाएगा? डी, जागीर के रूप में मनसबदारों को परिश्रमिक दिया जाता था। आगे चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि मुगल सैनिक किस हथियार का मुख्यतः प्रयोग करते थे? बल्लभ, तोप, तीर कमान, तलवार, बताइए किस प्रमुखता से जो है किसका प्रयोग वो करते थे? वो जो है बच्चों तलवार का मुगल सैनिक प्रमुखता से प्रयोग करते थे, ठीक है, तलवार का प्रयोग करते थे। 5,000 मनसबदार को कितना परिश्रमिक दिया जाता था? 5,000 मनसबदार थे उनको कितना परिश्रमिक दिया जाता था, ठीक है। 10,000, 5,000, 15,000, 18,000, 5,000 मनसबदार
मनसबदार जो थे वो कितना परिश्रमिक उनको दिया जाता था, यही पूछ रहा है ना। 10,000, 5,000, 15,000, 18,000, 5,000 ही मनसबदार को कितना परिश्रमिक दिया जाता था। ये हो जाएगा बच्चों 18,000, कितना 18,000 दिया जाता। 17 नंबर, 1,000 मनसबदार को कितना परिश्रमिक दिया जाता था। 1,000 मनसबदार जो थे उनको कितना परिश्रमिक दिया जाता था, वो था बच्चों 5,000। 5,000 जो है, 1,000 मनसबदार को इतना ही परिश्रमिक दिया जाता था, कितना 5,000। आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2,500 से कम सैनिक रखने वाले मनसबदार किस श्रेणी में आते थे। 2,500 से जो कम सैनिक रखते थे वो मनसबदार किस श्रेणी में आते थे। प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, बताइए। 2,500 से कम जो सैनिक रखने वाले मनसबदार थे वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे, यही कह रहा है ना। तो ये हो गया बच्चों तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते थे। कितने श्रेणी के अंतर्गत आते थे, तृतीय श्रेणी। मीर बाहरी कौन सा पद था। मीर बाहरी जो था वो मुगल सेना में कौन सा पद हुआ करता था। घुड़सवार सेना का अध्यक्ष हुआ करता था, कि पैदल सेना का अध्यक्ष हुआ करता था, कि थल सेना का अध्यक्ष हुआ करता था, कि नौ सेना का अध्यक्ष हुआ करता। ये जो हुआ करता था बच्चों मीर बाहर, नौ सेना का अध्यक्ष हुआ करता था। मीर बाहर कौन सा पद था, नौ सेना का अध्यक्ष पद था ये, ठीक है। नौसेना का अध्यक्ष पद मीर बाहर था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो ही पूछ रहा है, किसके किसके बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ और मुगल सेना की नींव रखा, पहले मैंने बता चुका है। अब देखिए यहाँ 1534 ईस्वी में, 1537 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, ये थोड़ा बच्चों 1526 ईस्वी में जो है बाबर जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। ओके क्लियर। नेक्स्ट 21 नंबर, इब्राहिम लोदी की सेना में घुड़सवारों की संख्या कितनी थी। घुड़सवारों की संख्या पूछ रहा बच्चों, इब्राहिम लोदी की सेना में घुड़सवारों की संख्या पूछ रहा। ए नंबर लगभग 40,000, लगभग 75,000, लगभग 50,000, तो लगभग 30,000। घुड़सवार कितने थे बच्चों, लगभग 40,000 जो थे वो इब्राहिम लोदी की सेना में संख्यात्मक घुड़सवार 40,000 हुआ करते थे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मुगलों के सेनापति को क्या कहते थे। मीर बाहरी, मीर आतिश, सेनापति का नाम क्या हुआ करता था मुगल सेना। मनसबदार, बख्श उल मुमालिक, तो समझ जाइएगा यही है मुस्लिम टाइप का नाम है। बख्शी उल मुमालिक जो है मुगलों सेना की सेनापति का नाम हुआ करता था, मख्शी उल बख्श उल मुमालिक। आगे देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, क्या है 23 नंबर। सबसे सबसे छोटा मनसबदार कितने सैनिकों का स्वामी था। सबसे छोटा जो मनसबदार था बच्चों वो कितने सैनिकों का स्वामी हुआ करता था, यही पूछ रहा ना। 23 नंबर, कि सबसे छोटा मनसबदार जो था वो कितने सैनिकों का स्वामी था। 1,000 सैनिक, 100 सैनिक, 10 सैनिक, 10,000 सैनिक। सबसे छोटा जो मनसबदार था, अकबर के समय से प्रणाली चल रही थी, वो 10 सैनिक का स्वामी हुआ करता था। खानवा का युद्ध हुआ कब, 1525 में, 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, ये हुआ था बच्चों 1527 ईस्वी, मैंने पहले बता चुका है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, राणा सांगा के पास लगभग सेना थी, और खानवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था बताइए। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ, पहले मैंने बता चुका है। राणा सांगा के पास लगभग सेना थी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, बताइए कितने सेना थी। राणा सांगा के पास 1 लाख के करीब में सेना हुआ करती थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि खानवा के युद्ध में राजपूत अपने कौन से युद्ध का प्रदर्शन करते रहे। खानवा के युद्ध में राजपूत जो है प्रदर्शन कर रहे थे, कौन से युद्ध का प्रदर्शन कर रहे थे बताइए। परंपरागत, अपरंपरागत, ए तथा बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देख उनकी हार हो गई थी खानवा के युद्ध में बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों
परंपरागत युद्ध का अध्ययन कर रहे थे जो सफल नहीं हो पाया, और मॉडर्न युद्ध का बाबर जो है मॉडिफाई करके और संगठनात्मक रूप प्लानिंग के तहत अचानक अटैक करके और हरा दिया राणा सांगा को। ठीक है, तो खानवा का युद्ध में परंपरागत अध्ययन राजपूत कर रहे थे, युद्ध का प्रदर्शन करते वो हार गई इस युद्ध। सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ बताइए? 1025 ईस्वी में, 1031 ईस्वी में, 1026 ईस्वी में, 1021 ईस्वी में। सोमनाथ पर आक्रमण कौन किया था बच्चों? मोहम्मद गजनवी, गजनी का सुल्तान था ये, मोहम्मद गजनवी, गजनी का सुल्तान था, सुल्तान गजनी का था, गजनी का राजा था ये। ठीक है, ये मोहम्मद गजनी पर आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया और बहुत सारे दीनार को लूट के अपने देश गजनी लौट गया। ठीक है, तो ये आक्रमण किया था बच्चों, कब किया था? 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के टेम्पल पर आक्रमण किया। ओके बच्चों, तो मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किया वो कब किया? सोमनाथ के टेम्पल पे 1026 ईस्वी में। इसी तरह वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, यूनिट नंबर 5 की ओर चलते हैं। यूनिट 5 कह क्या रहा है बच्चों? मराठों का उत्कर्ष, मराठों का उत्कर्ष, मराठा जो है किस टाइप से मुगल सेना से टक्कर लिए। ठीक है, यही कह रहा है कि मराठों का उत्कर्ष किस प्रकार का। तो मराठा का संस्थापक कौन था बच्चों? पढ़ेंगे हम लोग मराठा का संस्थापक, संस्थापक कौन थे? वो थे बच्चों शिवाजी। देखिए यहाँ अच्छे तरीके से लिख देते हैं, शिवाजी जो थे वो मराठा साम्राज्य का क्या थे? संस्थापक थे शिवाजी। ठीक है, शिवाजी जो है वो क्या थे? वो शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1627 में जन्म हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में, शिवनेर के दुर्ग में जुन्नार के समीप हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। क्या था? शाहजी भोसले शिवाजी के पिता का नाम था और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई माहौल था, ये भी था। ठीक है, तो ये जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में आचरण पर गुरु रामदास का इनके पर काफी प्रभाव पड़ा। किस पर? शिवाजी पर जो है गुरु रामदास का काफी प्रभाव पड़ा था, गुरु रामदास का। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ कि गुरु रामदास का जो है शिवाजी पर काफी प्रभाव पड़ा था। यहाँ जो है हम बताते हैं आप लोगों को, तो शिवाजी का नाम था बच्चों, उनकी माता, उनकी जो है पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, है ना? तो ये जो है शाहजी भोसले के द्वारा वो अपना, उनके राजनीतिक गुरु जो थे रामदास थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रामदास हुआ करते थे। ओके बच्चों, तो ये रामदास जो थे उनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे शिवाजी के। ठीक है, तो शिवाजी जो है शिवनेर के दुर्ग में पैदा हुए थे और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान भी कहा जाता था। ठीक है, तो शिवाजी जो है मराठों का उत्कर्ष लाए और शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए उनके पुत्र। ठीक है, संभाजी उज्जैन के में हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, राजा राम जो है मुगलों से संघर्ष करते हुए जो है 2 मार्च 1700 को जो है मारा गए, 2 मार्च 1700 को राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए मारे गए थे। साहू और ताराबाई के बीच भी युद्ध हुआ था, साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था 1708 ईस्वी में, साहू और ताराबाई के बीच युद्ध हुआ था ये। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें भी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 और 1805 में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो मराठों जो है छापमार युद्ध का भी प्रयोग करते थे, शिवाजी जो है छापमार युद्ध और बहुत सारे युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। अब उन्हीं के तहत देखते हैं कुछ क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बता दिया डिटेल्स और जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन उस हिसाब से भी मैं बताते चलूंगा आप लोगों को। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों की, कह क्या रहा है? मराठा काल में
अश्वरोही सैनिक कितने प्रकार के होते थे? अश्वरोही सैनिकों की संख्या पूछ रहा है बच्चों कि कितने प्रकार की थी, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, पांच प्रकार। तो देख, मराठा सैनिकों में अश्वरोही सैनिक की जो संख्या थी वो दो प्रकार की थी। कितने? दो प्रकार। हल्दीघाटी की लड़ाई का वर्ष बताइए। हल्दीघाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी बताइए? हल्दीघाटी की लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी? 1526 AD में, 1527 AD में, 1576 AD में, 1757 AD में। तो ये हुई थी 1576 ईस्वी में बच्चों। एडी मतलब ईस्वी, ठीक है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। अरे, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई ना बच्चों कब लड़ी गई थी, यही पूछ रहा ना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। किन किन सेनापतियों, किन किन राजाओं के बीच लड़ी गई थी, यही पूछ रहा है ना। पानीपत का तृतीय संग्राम 1761 ईस्वी में किन किन सेनापतियों के बीच लड़ा गया? बाबर तथा इब्राहिम लोदी, बाबर तथा राणा सांगा, दौलत राव सिंधिया तथा लॉर्ड डलहौजी, और भाऊ साहब मराठा, और अहमद शाह अफगाली अफगान सेना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्थ नंबर का हो जाएगा बच्चों। अहमद शाह अब्दाली थे और अफगान सेना से, और भाऊ साहब मराठा से पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है बच्चों? पांच नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है देखिए यहाँ। पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने किस सेना को पराजित किया था? सिख सेना, राजपूत सेना, मराठा सेना, अंग्रेज सेना। तो ये मराठा को पराजित किया था ना बच्चों। अहमद शाह अब्दाली ने किसको पराजित किया था? मराठा को पराजित किया था पानीपत के तीसरे। मारो और भागो पद्धति का जनक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, हर्षवर्धन, शिवाजी। छापमार युद्ध ये करते थे, शिवाजी छापमार युद्ध करते थे। छाप मार युद्ध, तो मारो और भागो का जो है शिवाजी जनक थे। मारो और भागो। आगे देखिए, काम बख्श की मृत्यु कब हुई? काम बख्श की मृत्यु पूछ रहा है ना। 1709 में, 1708 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1706 ईस्वी में। बताइए, काम बख्श की मृत्यु हुई थी बच्चों 1708 ईस्वी में। कब हुई थी? 1708 ईस्वी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जहादर शाह दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? यही कह रहा ना कि जहादर शाह दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा बताइए? 1716 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में। बताइए, जहादर शाह दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? आठ नंबर जो हो जाएगा बच्चों, डी नंबर हो जाएगा, 1712 ईस्वी में जहादर शाह जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। जहादर शाह जो है दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? 1712 ईस्वी में बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। जहादर शाह की हत्या किसने की? औरंगजेब, कामबख्श, मोहम्मद आजम, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है जहादर शाह की हत्या कर दिया था। जहादर शाह की हत्या कौन कर दिया था? फर्रुखसियर ने कर दिया था। ठीक है, जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख, दरबारियों के बीच नंगे होकर ये डांस करने लगता था। जहादर शाह जो है दरबारियों के बीच नंगे होकर डांस करने लगता था। ठीक है, इसे लंपट मूर्ख भी बोला जाता था। ज्यादा दिन तक इसका शासन नहीं चला। ठीक है, मूर्ख टाइप का शासक था ये। चलिए, फर्रुखसियर की मृत्यु किस सन में हुई? फर्रुखसियर की जो मृत्यु हुई थी वो किस सन में पूछ रहा है, सन उसका क्या था? तो ये हो जाएगा बच्चों 1716 ईस्वी, 1717 ईस्वी, 1719 ईस्वी, 1720 ईस्वी। तो 1719 ईस्वी जो है फर्रुखसियर की मृत्यु हो चुकी थी। 1719 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी।
मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का बादशाह कब तक रहा? मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है, थे बहुत रंगीला था ये, 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक, 1720 से 1723 तक, 1721 से 1752 तक, 1719 से 1742 तक। बताइए 11 नंबर जो है वो हो जाएगा 1719 से 1748 तक जो है मोहम्मद शाह दिल्ली का बादशाह पद पर नियुक्त रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर बच्चों, मराठा सैन्य शक्ति कब शुरू हुई? मराठा सैन्य शक्ति कब शुरू हुई? 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी? मराठा सैन्य शक्ति का स्टार्टिंग कब हुआ था बच्चों? 17वीं शताब्दी में मराठा सैन्य शक्ति का शुरुआत हुआ। अब चलते हैं 13 नंबर, मराठों की सेना में कुल कितने युद्धपोत थे? कितने युद्धपोत थे, युद्ध लड़ने वाले पोत, जहाज सेना? 200 से 300, 400 से 500, 600 से 4, 604, 500 से 700। तो ये था बच्चों सी नंबर, 604 जो है मराठों की सेना में कुल युद्धपोत थे, 604। हल्दी घाटी का संग्राम पूछ रहा है कब हुआ था? हल्दी घाटी का संग्राम पूछ रहा है बच्चों कि ये हल्दी घाटी का संग्राम हुआ कब था, ठीक है, हल्दी घाटी का संग्राम कब हुआ था? 1577 ईस्वी में, ठीक है, 1576 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में, हल्दी घाटी का संग्राम 1576 ईस्वी। असाई का संग्राम कब हुआ? असाई का संग्राम कब हुआ? ए नंबर 1812 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में? असाई का जो संग्राम हुआ था बच्चों वो हुआ था 1812 ईस्वी में। कब हुआ था? 1812 ईस्वी। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, वो है बच्चों मराठा सेना में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सर्वोच्च अधिकारी सेना का, जो सेना को संभाल सके, वो कौन होता था, उसका नाम क्या था? सूबेदार, राजा, सेना अध्यक्ष, मनसबदार? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस, सेना अध्यक्ष क्या होगा? सर्वोच्च अधिकारी होगा बच्चों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल में बने रहिए, चैनल के माध्यम से हर जानकारी आप लेते रहिए, ठीक है, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, हर तरीके से आपको सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और जितने BS के स्टूडेंट हैं, BSc के, वो इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।